प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन है वह 9 सितंबर, एक महत्वपूर्ण दिन। हर दिन आपके साथ कुछ कहता है। 9 का अंक कई बार संघर्ष का अंक भी कहा जाता है, ऊर्जा का अंक भी कहा जाता है। जहाँ पे भी लाल रंग दिखता है तब भी कहा जाता है कि अंक 9 है। जहाँ क्रांति होती है वहाँ पे भी अंक 9 होता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ पे भी कई बार आप देखेंगे कि अंक 9 होता है। और भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहाँ पे भी कई बार बम विस्फोट की गूंज आपको सुनाई देती है, वहाँ पे भी अंक 9 होता है। दिल्ली में कितने बार कई बार बम विस्फोट हुए हैं, बॉम्बे में कई बार बम विस्फोट हुए हैं, ये सब मंगल के क्षेत्र हैं। और दिल्ली के लिए कितनी लड़ाइयाँ, यदि आप इतिहास के पन्ने टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत रक्तपात इस दिल्ली के लिए हो चुका है। और भी कई बार आतंकवादियों ने भी कई बार अपने क्षेत्र को, दिल्ली को ही निशाना बनाया। इसलिए अंक 9 एक महत्वपूर्ण अंक। तो आज के दिन जो व्यक्ति पैदा हुए हैं तो उनका जो यह साल है, यदि आप धन कमाने की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको लगातार कुछ ना कुछ थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं और आप करना तो चाह रहे हैं लेकिन लापरवाही में आपसे थोड़ा सा नुकसान हो जा रहा है आप। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 9 सितंबर वाले हो, तो आपको ऐसा लग रहा कि आपके बारे में डिसीजन टेबल पर बैठ कर ऐसे लोग ले रहे हैं जो आपके विषय में कुछ नहीं जानते, तो ऐसी कुछ स्थितियों से इस साल आपका सामना हो रहा लगातार अनवरत, इसलिए थोड़ा सा स्टैंड बाई पोजिशन पर हैं। और कई बार यदि आप अपने क्रीज से बाहर निकल के सोचते हैं कि चौके छक्के मार लेंगे तो आपको रुकावट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान धरें, धीरज धरें। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल पर खेचारी। तो यह जो वर्ष है आपका धीरज धारण करने का, इसलिए धीरज धारण करें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने को और कुछ ना कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ एक नई चीज़ें आ सकती हैं। अचानक से स्थितियों में आपके लिए बदलाव हो सकता है। कुल मिला के एक अच्छी स्थिति और कुछ ख़त्म भी हो सकता है और कुछ चालू भी हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नया कुछ चालू भी नहीं होगा। इसलिए बिगेनिंग के लिए किसी का कई बार बंद होना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्टॉप होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है, हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएँ उन्हें परेशान कर सकती हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी सलाह लें और कार्य को करें तो बेहतर। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21-30 है, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपके पास काम बहुत सारे हैं और समय का अभाव है, और एक साथ ज़रूरत से ज़्यादा लोड यदि आप किसी पे दे दो तो गाड़ी कई बार पंचर हो जाती है, कई बार तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन मानव का शरीर है यह जल्दी हार नहीं मानता है। इसलिए कहूँगा कि काम को थोड़ा सा यदि आप बांट दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/22-31 है, आज का दिन शुभ। और थोड़े से संतान के संदर्भ में थोड़ा चिंता आपको हो सकती है, चिंतित हो सकते हैं, बाकी तो कुल मिला के विषय आपके लिए ठीक। धन से जुड़े क्षेत्रों पे आपको लाभ होता हुआ है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है, आर्थिक क्षेत्रों पे तो है ही है, साथ ही साथ आपके अफेयर्स हो सकते हैं, पुराने दोस्त मिल सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ आज के दिन घटित हो सकती है। शुभता के संकेत, क्योंकि संसार में आप जो देते हैं वो आपको मिलता है, तो पाने और देने का समय, लेने और देने का समय आपके लिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है, उनके लिए दिन शुभ। धन से जुड़े क्षेत्रों पर उन्हें लाभ, परिवार के साथ हो सकता है, कुछ इंजॉय कर सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। वाइफ के साथ भी कहीं घूमने जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमने जा सकते हैं। कुल मिला के अच्छी स्थिति अंक 6 के लिए। और यदि संभव हो तो कुत्तों को थोड़ा सा बिस्कुट यदि आप खिला पाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है, किसी चीज़ के लिए हो सकता है कि किसी के बारे में कुछ समाचार, कुछ नए ऐसे समाचार आ सकते हैं, किसी के निधन की सूचना प्राप्त हो सकती है, कुछ उठापटक से दिन आज के दिन आपके लिए हो सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है, उनके लिए भी समय अभी पूर्णतया अनुकूल नहीं चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा धीरज धरें, क्योंकि जो लहरें हैं वो थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हैं, कई बार उतार है, कई बार ज्वार है, कई बार भाटा है, इससे ऐसा ही समय चल रहा है। और आप चीज़ों को हाथ में रखने चाह रहे हैं लेकिन चीज़ें आपके हाथ में रह नहीं पा रही, इसलिए थोड़ा सा बस यही कहूँगा कि प्रतीक्षा करें और आगे बढ़ें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27, आज के दिन काम बहुत सारे हो सकते हैं, कोई काम ऐसा हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टैलेंटेड तो बहुत है, कुछ पैसे कमाने की योजनाएं आ रही, लेकिन हो सकता है पैसा आपके पास ना आ रहा हो, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन 9 सितंबर की। आपको आपके भविष्य से जुड़ी नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, इस ज्ञान को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जो जानकारी मिल सके। धन्यवाद।